नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा ही छोटा टॉपिक है, लेकिन अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चंस को समाहित किए हुए है। आज का जो टॉपिक है वो अनुसूचियों से रिलेटेड है, हम लोगों का है, जिसे इंग्लिश में शेड्यूल कहते हैं, शेड्यूल से रिलेटेड है। ये अपने आप में देखने में तो कहने के लिए बहुत थोड़ा सा है, लेकिन एक्चुअल में अगर किसी ने अनुसूचियों को सही ढंग से समझ लिया और पढ़ लिया तो बहुत सारे क्वेश्चंस पॉलिटी के करने की सक्षमता उसके अंदर डेवलप हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत बेहतर लगेगा और इससे आप लोग बहुत कुछ जानेंगे और आपको आगामी जो एग्ज़ाम्स हैं या जो भविष्य में एग्ज़ाम्स आएंगे उसमें आपको लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए, अनुसूचियों के बारे में जहाँ तक बात है भारतीय संविधान में, तो जो मूल संविधान भारत का था उसमें अनुसूचियों का जो जिक्र है वो टोटल 8 अनुसूचियाँ यानी कि 8 अनुसूचियाँ मूल संविधान में हमारे यहाँ थी। तो क्वेश्चंस यहीं से एक एक तथ्य इसके बेटा इसमें बहुत ज़्यादा आप जान लीजिए कि जो भी लेक्चर में जो भी शब्द हैं सब आपके दिमाग में होने चाहिए और ज़रूरी समझें तो उसको नोट भी कर लें और नहीं ज़रूर समझते हैं तो वीडियो को दो एक बार आप इसको दोबारा भी देख लें, जिससे कि आपको सारे तथ्य इसमें आपको तैयार हो जाएं, क्योंकि एक एक तथ्य इसके इम्पॉर्टेंट हैं। जो जो स्टेटमेंट्स निकल रहे हैं मुझसे वो सारे स्टेटमेंट्स आपको जान लीजिए कि बहुत उपयोगी आपके लिए होंगे। इस नाते इसको सीरियसली इसको ध्यान से पढ़िएगा और सुनिएगा इसको और समझने का प्रयास करिएगा। तो मूल संविधान जो था वो यहीं से क्वेश्चन बन रहा है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियों का जिक्र है। तो बेसिक तौर पे लोग भूल जाते हैं इसको, तो 8 अनुसूचियाँ इसमें हैं, 8 अनुसूचियाँ थी। समय के साथ साथ फिर बाकी 4 अनुसूचियों का मेंशन किया गया, यानी कुल वर्तमान समय में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या है वो 12 हो चुकी है, जिनके बारे में आप लोगों ने नगर पंचायतों के बारे में यानी पंचायतों के संदर्भ में, नगर पालिकाओं के बारे प्रशासन के बारे में भी इसके पहले ही वीडियोस में आप लोगों ने देखा, तो वहाँ पे 2 अनुसूचियों के बारे में आप पहले से जानते हैं, अनुसूची 11 और अनुसूची 12 के बारे में। तो इसका मतलब उसके पहले 2 अनुसूचियाँ हैं, 9वीं अनुसूची और अनुसूची 10, ठीक है। एक तो संपत्ति को लेकर के एक तरह से कहिए कुछ कानून बनाया गया, अनुसूची 9 में है। जो भूमि सुधार संबंधी उसमें जो कुछ प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में भी डिटेल हम लोग करेंगे, और दल बदल को लेकर के, यानी कि अगर कहा जाए कि 8 अनुसूचियां जो मूल रूप से थीं, 4 कौन कौन सी अनुसूचियां जोड़ी गई, तो ये भी आपको जिक्र करना है कि निम्न में से कौन सी अनुसूची बाद में जोड़ी गई है ना, या मूल संविधान में नहीं है। तो मूल संविधान में अनुसूचियों में आपको इन 4 को याद रखना है कि मूल में ये नहीं है। तो कौन सी? 9वीं अनुसूची नहीं है। जो भूमि सुधार संबंधी अनुसूची मूल रूप से फेमस है वो पहले संविधान संशोधन के द्वारा इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद में आपका है दल बदल संबंधी अनुसूची, ठीक है, दल बदल संबंधी कानून जिसे कहा जाता है आप, ये 10वीं अनुसूची है। और 11वीं आपकी है जो 92 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों के बारे में लाई गई, ठीक है, पंचायत अधिनियम जब लाया गया, तो त्रिस्तरीय पंचायत की जो व्यवस्था भारत में आज वर्तमान समय में लागू है उसमें उसके बारे में वहाँ पे बताया गया है। और जो 12वीं अनुसूची आपकी है वो नगर पालिका नगर प्रशासन के लिए, जो इसके पहले वाला वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था। तो ये 4 अनुसूचियाँ आपको याद होनी चाहिए, बाकी शेष अनुसूचियों में क्या है वो याद होना चाहिए, बाकी ये 4 आपको मालूम होनी चाहिए कि ये बाद में जोड़ी गई, ठीक है। तो कभी बेसिक क्वेश्चन यही बन जाता है आपका कि कौन सी अनुसूची मूल संविधान में नहीं है, तो आपको मालूम होना चाहिए, क्लियर। चलिए अब आते हैं एक एक बिंदु पे डिटेल करते हैं, अनुसूचियों में क्या है, किस अनुसूची में किसके बारे में क्या उल्लेख किया गया है। तो देखिए, पहली अनुसूची जो हमारी है, देखिए मैं बोर्ड पे इस नाते आप लोगों को लिख देता हूँ कि कुछ तथ्य हम लोगों के दिमाग से स्किप ना कर जाएं। और दूसरी चीज़ है, दूसरा तथ्य ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो बच्चे थोड़ा सीरियस हैं उन इन बिंदुओं को नोट कर लें। नोट्स कैसे बनाएंगे? ऐसे नोट्स बना लें, वो वीडियो एक बार सुन लें, दो बार सुन लें, अगले नेक्स्ट टाइम फिर सुन लें, जब ज़रूरत समझें, और उनके पास ये तथ्य होने चाहिए। इस नाते हम लोग इसको लिख देते हैं बेटा, और बहुत सारे तथ्यों को इससे भूलें ना, क्योंकि आप लेक्चर कर रहे हैं, एक क्रमबद्ध तरीके से आपका लेक्चर भी तो होना चाहिए, जैसे कि बच्चों को एक सिस्टमेटिक वे से सारी चीज़ें मिलें, ठीक है। तो ये मेन मूल कार्ड होता है, तो आप लोग इस पर भी ध्यान दिया करिए। आप लोग देखेंगे कि मोस्टली कुछ ही तथ्य हम लोग बोर्ड पे देखते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग बोर्ड पे देखते ही रहते हैं चीज़ों को, तो आप इसको अदरवाइज नहीं लेने की ज़रूरत है कि बोर्ड पे क्यों इतनी चीज़ें लिखी हुई हैं, क्योंकि सारे तथ्य दिमाग में उस समय हमको एक सिस्टमेटिक वे से देना होता है, इस नाते तथ्यों को लिखना मस्ट होता है,
ठीक है। तो अनुसूची जो एक आपकी है, इसमें क्या किया गया है, संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है, मतलब इसमें बताया गया है अनुसूची एक में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। तो आप जानते हैं कि जो राज्य है और उसके जो संघ हैं वो कुल कितने हैं, ये आपके बारे में समय समय पर इसमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे वर्तमान समय में 28 राज्य रह गए हैं और अनुसूचियों की जो आपके संघ शासित जो क्षेत्र थे उनकी संख्याओं में समय समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। जैसे हम जम्मू एंड कश्मीर को देखिए, राज्य से हट करके अब दो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में लद्दाख और कश्मीर के रूप में आपका दिखता है आपको। फिर उसके बाद में कुछ अनुसूचियों आप देख रहे हैं, दादर नागर हवेली को मेंशन किया गया है, ठीक है। तो समय के साथ में परिवर्तन होता रहता है, बशर्ते आपको यहाँ पे ध्यान सिर्फ इतना देना है कि अनुसूची एक में किन चीज़ों का जिक्र है। तो अनुसूची एक में संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में उसका उल्लेख किया गया है कि कौन कौन से संघ और उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो अनुसूची मूल रूप से इसी से रिलेटेड है। पहला बिंदु देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है ना कि भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है। बिल्कुल, भारत अगर पूछा जाए एक्चुअल में भारत है क्या, तो आप देखेंगे, आप मैप में देखेंगे तो टोटल जो दिख रहा है वो भारत है। जब टोटल दिखेगा तो भारत है, और अगर उसमें कहीं किसी बिंदु पर आप किसी प्लेस पर अगर आप स्थान पर हाथ रखते हैं तो वो आपको भारत न दिखाई दे करके, अगर आप देखेंगे तो भारत न दिखाई दे करके वो कोई संघ राज क्षेत्र होगा या कोई राज्य होगा। जैसे आप उसको इंडिकेट करेंगे तो वो आपको दिखाएगा कि ये तो ये राज्य है। लेकिन आप जानते हैं कि संघ बनता क्या है, मतलब भारत बनता किससे है, प्रत्येक राज्यों से या उसके केंद्र शासित प्रदेशों के पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से जो राज्य हैं और संघ शासित क्षेत्र हैं ये कंप्लीट होकर के भारत का निर्माण करते हैं। इसी तरह से प्रत्येक देशों में ऐसी व्यवस्था है। अमेरिका में आप देखेंगे तो एक्चुअल में अमेरिका आप ढूंढेंगे तो अमेरिका कहीं दिखाई नहीं देगा आपको कि कहीं प्लेस में हम अमेरिका देख रहे हैं। भारत अगर ढूंढा जाए भारत के मैप में, भारत कहाँ है तो आपको पूरा बताना पड़ेगा कि पूरा भारत है। उसी तरह से अमेरिका, इसी तरह से हर कंट्री के बारे में ऐसी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में टोटल बात की, कितने राज्य हैं और कितने संघ हैं एक्चुअल में, इसी के बारे में बताया गया अनुसूची एक में। अनुसूची दो में क्या कहा गया है, तो देखिए इसमें आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें कुछ लेन देन की बात है, कुछ लेन देन की बात है। सबसे पहले की बात है कुछ लेना देना है। तो लेना देना मतलब मींस क्या है कि जो हमारे उच्च पदों पर आसीन पदाधिकारी लोग हैं उनके वेतन और भत्ते और उनके पेंशन से रिलेटेड है। अब ये कौन कौन से लोग हैं इनके बारे में भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि किसके बारे में, ये पहले ज़्यादा जरूरी है। एग्जाम ऐसे पूछता है कि अनुसूची दो में किन बातों के बारे में उल्लेख किया गया, तो उसमें वेतन भत्तों के बारे में और पेंशन के बारे में उल्लेख किया गया है। तो किसकी वेतन और किसके भत्ते और किसकी पेंशन, तो जितने भी उच्च अधिकारी हमारे हैं जैसे राष्ट्रपति महोदय से लेकर के लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, राज्यपाल, राज्यों के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के राज्यपाल, विधानसभाओं के और जितने प्रतिनिधि हैं, मतलब विधानसभाएं हैं, विधानसभाओं के सदस्य और उनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष, समझ रहे बात को। फिर उसके बाद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इन सभी के वेतन भत्तों के बारे में उल्लेख किया गया है कि इसमें अनुसूची आपके दो में, अनुसूची दो में किया गया। साथ ही साथ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों के बारे में भी इसमें उल्लेख किया गया। तो तथ्य मैं आपको बता चुका हूं, ये आपको ध्यान होना चाहिए, वेतन भत्ते किसके, किसी सरकारी कर्मचारी के नहीं, किसी सरकारी कर्मचारी के नहीं, यहाँ पर जो हमारे प्रतिनिधि हैं राष्ट्रपति से लेकर के, और देखिए उपराष्ट्रपति को तो वेतन भत्ता उनको अपने पद का तो मिलता नहीं है, राज्यसभा के सभापति होने का मिलता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये तथ्य आप लोगों ने उपराष्ट्रपति, हम लोगों ने पढ़ा था तो वहाँ पर देखा था कि उनको उसका उपराष्ट्रपति का न मिल करके वेतन भत्ता जो मिलता है वो राज्यसभा के सभापति होने के नाते उनको वेतन भत्ते मिलते हैं। तो इस नाते आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए मैंने मेंशन किया है, राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल लोग हैं, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय हैं, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति हैं, विधान परिषद के सभापति उपसभापति हैं, प्रत्येक राज्यों की विधानसभाएं जो होती हैं, विधान परिषद होता है उनके बारे में, विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के बारे में, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते जो हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग अभी मैंने बताया, इनके सभी के बारे में वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। तो दिमाग में आपको होना चाहिए, तो आई थिंक आप लोगों को याद हो चुका होगा ये चीज़, ठीक है। अब तीसरे में आते हैं, तो इसमें बच्चों क्या बात की गई, शपथ के बारे में बात की गई है। जो हमारे राष्ट्र के गणमान्य लोग हैं उन सभी के शपथों के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनका इस शपथ, मतलब अनुसूची तीन में शपथ के प्रारूप या जो है उसका उल्लेख नहीं किया गया है। कौन कौन से, एक तो आपके राष्ट्रपति महोदय हैं, दूसरे
उपराष्ट्रपति महोदय हैं और तीसरे राज्यपाल हैं। ये तीन की शपथ का उल्लेख अनुसूची तीन में नहीं है। बाकी शेष का आपको ध्यान रखना है कि बाकी लोगों का है, जिन प्रतिनिधियों का वेतन भत्तों का उल्लेख अनुसूची दो में है उन सभी का उल्लेख अनुसूची तीन में शपथ में भी है, लेकिन इसमें से तीन व्यक्तियों को निकाल देना है आपको, सभी राज्यों के राज्यपालों को, उपराष्ट्रपति को और राष्ट्रपति को। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने आपको जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में टॉपिक पढ़े हैं तो वहाँ पे हमने बताया है, लेकिन यहाँ पर अनुसूची हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी देखना होगा। देखिए अनुच्छेद जो राष्ट्रपति की शपथ है अनुच्छेद 60 में दिया गया है, उपराष्ट्रपति की जो शपथ है वो 69 में 69 में दिया गया है। ठीक है, 69 जो अनुच्छेद है उसमें दिया गया है और राज्यपालों के शपथ के बारे में 159 में उल्लेख किया गया। तो ये तीन बातें आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से बेटा याद रखिएगा कि शपथ और प्रतिज्ञान, मतलब यानी कि शपथ का जो प्रारूप होगा और शपथ जो है वो इसमें उल्लेख किया गया है। तो किसका किसका नहीं किया गया है बेटा अनुसूची तीन में, ये दिमाग में अपने बैठा लीजिए, राष्ट्रपति महोदय का, उपराष्ट्रपति महोदय का और सभी राज्यों के राज्यपालों का, यानी कि राज्यपाल आप कह सकते हैं राज्यपालों का, कि शपथ के बारे में नहीं है। तो जब नहीं है तो उनका किस में उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 159 में राज्यपालों के शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में उल्लेख किया गया। और बाकी सभी जो बचते हैं आपके तो आप उसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, फिर राज्यसभा के संदर्भ में आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा संघ के सारे मंत्रियों के बारे में मिलेगा आपको। ठीक है, न्यायाधीशों के, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के शपथ के बारे में, राज्य विधानमंडल के सदस्यों के बारे में, मंत्रियों के बारे में, फिर वही कैग के बारे में। ठीक है, इनके बारे में जो यहाँ पर शपथ का उल्लेख किया गया है। क्लियर, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन इससे भी बहुत आते हैं, हर यहाँ पर जो भी टॉपिक आप लोग बेटा पढ़ रहे हैं सारे टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो थोड़ा सीरियसली आप इसको ध्यान में रखिएगा जैसे कि आपको याद हो जाए। और चौथा क्या है, अनुसूची 4 में क्या कहता है बेटा, अनुसूची 4 में क्या कहा गया है, राज्यों के प्रतिनिधित्व, राज्यों के द्वारा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है, यानी कि प्रत्येक जो राज्यसभा का जो गठन हुआ है हमारे राज्यसभा में प्रत्येक राज्यों के प्रतिनिधि निर्धारित कर दिए गए हैं कि इस राज्य से इतने प्रतिनिधियों में, जैसे उत्तर प्रदेश के 31 है, 31, बाकी और राज्यों के अलग अलग, सभी जगहों के अलग अलग है, आप लोग देख लीजिएगा किस राज्य का राज्यसभा के सदस्यों का कितने सदस्यों की सदस्यता उनको दी गई है, तो उतने ही प्रतिनिधि, कितने, जितना राज्यसभा के सदस्यों का प्रतिनिधित्व दिया गया है जिस राज्य का, उतने ही प्रतिनिधि उससे चुने जाएंगे, उसकी जनसंख्या का मतलब जो है आधार पर नहीं परिवर्तित होता रहता है, ये दिया गया है, फिर इसमें समय के साथ परिवर्तन भी किया जाता रहेगा, हालांकि जनसंख्या के आधार पर ही इन मतलब राज्यसभा के सदस्यों का प्रतिनिधित्व दिया गया है, लेकिन बार बार ये परिवर्तनशील नहीं होता है, जरूरत पड़ने पे बढ़ता है, बदलता रहता है। तो प्रत्येक राज्य के जो राज्यसभा के सदस्यों की सीटें निर्धारित हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया उत्तर प्रदेश में 31 सदस्य जो हैं राज्यसभा के लिए चुन करके जाते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ इसमें है कि राज्यसभा के सदस्यों के प्रतिनिधित्व के बारे में। इसके अलावा दो और बात ध्यान रखिएगा कि दो ऐसे क्षेत्र हैं दिल्ली और पुदुचेरी, इसके भी सदस्य जो है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के जाते हैं, बाकी और किसी केंद्रशासित प्रदेश के नहीं जाते हैं। अब किसी में जम्मू एंड कश्मीर भी हो गया है तो आप उसको भी ध्यान में रखिएगा, आगे चल करके उसमें भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे, तो जम्मू एंड कश्मीर के भी प्रतिनिधित्व, क्योंकि पहले स्टेट था वो, अभी स्टेट से वो हट चुका है ना, टेरिटोरी प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, संघराज क्षेत्र हो गया है तो उसके प्रतिनिधि भी जाएंगे, तो हमेशा जम्मू एंड कश्मीर की जब बात आएगी तो आप उसको दिमाग में रखिएगा कि अब चूंकि स्टेट रह नहीं गया है तो वो भी एक एक्स्ट्रा आपको हो जाएगा। तो यहाँ पर दिल्ली और पुदुचेरी ऐसे हैं, दो ऐसे संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनके क्या करते हैं प्रतिनिधि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व इनको मिला हुआ है, बाकी और किसी राज्य मतलब का प्रतिनिधित्व नहीं मिला हुआ, बाकी सारे राज्यों का मिला हुआ है। तो आप समझ गए होंगे इसमें से, यानी कि अनुसूची 4 क्या है, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व के बारे में बताती है। क्लियर, चलिए ठीक है, अब अनुसूची 5 में देखते हैं बेटा, बड़ा महत्वपूर्ण है अनुसूची 5 और अनुसूची 6, इधर की सारी चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं बेटा, ये थोड़ी भूलती हैं। इसमें क्या क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अनुसूचित क्षेत्र ठीक है और अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित क्षेत्र वगैरह क्या होते हैं, वे क्षेत्र जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, यानी कि जंगली जंगल वाले क्षेत्र हैं, वन वाले क्षेत्र हैं,
ठीक है, ये क्षेत्र वो सरकार इसको अनुसूचित मतलब क्षेत्रों के रूप में चिन्हित कर लेती है, मोस्टली उसमें जनजातियाँ वगैरह ही रहती हैं, चूँकि एक तरह से संरक्षित क्षेत्र है, वहाँ पर एक तरह से कि जनजीवन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वन होते हैं और घने जंगल होते हैं वो सब क्षेत्र, या जो संरक्षित क्षेत्र होता है तो उसको सरकार जो है इस तरह के अनुसूचित क्षेत्रों में उसको शामिल कर लेती है अपने, और फिर उसके में जो जनजातियाँ हैं उनके लिए कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो ये मोस्टली आपको पूर्वोत्तर भारत में देखने को ज़्यादा तौर से मिलेगा, पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं उनके बारे में, मतलब ये अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध, विशेष बातें बताई गई हैं, उनके लिए कुछ सुविधाएँ देने की बात कही गई, जंगलों पर उनके अधिकार को लेकर के, स्वामित्व को लेकर के, चूँकि जितने भी जंगल वगैरह होते हैं, अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, वो किसके होते हैं, सब गवर्नमेंट के होते हैं और सरकार के होते हैं, तो उसमें जो रहने वाली जनजातियां हैं या जो लोग हैं उनको क्या अधिकार, कितने हद तक अधिकार उनको दिया गया है, इन सब चीज़ों के बारे में उल्लेख किया गया है। बाकी अगर सामान्य क्षेत्रों में आप देखेंगे, अगर हमारे आपके पास घर के आसपास वन का क्षेत्र है तो हम उस पर अधिकार नहीं कर सकते, उन सब चीज़ों का दोहन नहीं कर सकते, लेकिन जनजातियों के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी सुविधाएँ उसमें प्रोवाइड की गई हैं। तो एक तरह से आप समझने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान अनुसूची 5 में आपका किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अनुसूची 6 के बारे में, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें 4 ऐसे स्टेट हैं बेटा जिनको विशेष सुविधाएं दी गई हैं, विशेष फैसिलिटीज़ दी गई हैं। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा कि ये 4 ऐसे कौन से जो क्षेत्र हैं जहां पर अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष उपबंध, विशेष फैसिलिटीज़ दी गई हैं। मैं बात कर रहा हूँ अनुसूची 6 के बारे में, तो आप देखिए असम देख रहे हैं ना, असम का जो क्षेत्र है, असम के क्षेत्र से सीधे आप नीचे चले आएंगे, असम को पकड़ेंगे पूरा क्षेत्र, उसके सीधे चले आएंगे, जितने स्टेट मिलेंगे वो सारे स्टेट इसके अनुसूची 6 के अंतर्गत आते हैं। 4 स्टेट हैं, एक तो आपका जो असम है, असम से ही आप देखेंगे मेघालय का भी गठन हुआ है, ठीक है, असम से ही मेघालय, कभी असम भी मेघालय का हिस्सा हुआ, मेघालय भी असम का हिस्सा हुआ करता था। तो असम, मेघालय, उसके नीचे 2 स्टेट हमारे पड़ते हैं बांग्लादेश के पास में, क्या है, मणिपुर है, सॉरी त्रिपुरा है और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, तो त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और असम, ये 4 जो आपके राज्य पड़ते हैं, ये 4 राज्य आपके, 4 स्टेट जो आपके पड़ते हैं बेटा, ये 4 स्टेटों के लिए विशेष उपबंध किया गया अनुसूची 4 के तहत। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है, यानी जनजातियों के लिए विशेष सुविधाएं दी गई हैं। अब इसमें से ही कुछ लोग बड़ा इसमें आसान सा तरीका बताने की कोशिश करते हैं, जैसे इसको AMTM के नाम से जानते हैं, भी प्रयास किया जाता है, आपने बहुत जगह पर सुना भी होगा। तो असम के बारे में है, जैसे ए से असम हो जाएगा, एम से मेघालय हो जाएगा, ठीक है, और इसमें अगर देखा जाए तो टी से त्रिपुरा हो जाएगा, एम से मिजोरम हो जाएगा। तो AMTM आप तो जानते हैं, लेकिन AMTM इसको कर लीजिएगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा आपको याद करने के लिए। तो ये चीज़ें हैं, और वैसे मेरा तो अपना मानना है ये सब ट्रिक व्रिक का कोई बहुत मतलब नहीं होता, एक बार आपने समझ लिया तो समझ लिया। असम को समझा, असम के नीचे क्या है, मेघालय है, मेघालय के नीचे कौन से स्टेट हैं, तो मिजोरम है और त्रिपुरा है, बस 4 स्टेट हैं। इन 4 स्टेटों के लिए क्या है, इस समय विशेष जनजातियों के लिए विशेष उपबंध किया गया। अभी आप देख रहे हैं रिसेंटली मुद्दा चल रहा है क्या, 2 स्टेटों को लेकर सीमा विवाद को लेकर के बड़ी खींचतान चल रही है, कौन कौन से स्टेट हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक स्टेट तो आपका असम है, दूसरा और कौन सा है, ये त्रिपुरा और मिजोरम में से कौन सा है, ये आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। ये आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है कि पूर्वोत्तर भारत के 2 कौन से ऐसे राज्य हैं जो आपसी टकराव की स्थिति में हैं, उसमें केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करने की बात हो रही है। ट्विटर वार भी चल रहा है, आपने देखा होगा, इसमें टीवी न्यूज चैनलों में आपको सुनाई दिया होगा। ठीक है, अपडेट रहिए, आयोग में जा रहे हैं, आयोग से के स्टूडेंट्स से अपेक्षा की जाती है कि वो हर बिंदुओं पे भारतवर्ष में हो रही गतिविधियों में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो रही गतिविधियों में पे उनका पूरी तरह से अच्छी समझ हो, अच्छी पकड़ हो। तो ये बिल्कुल आप इससे कटे ना, आप इसमें शामिल हो। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अनुसूची 6 तक के बारे में क्या क्या बातें बताई गई। अनुसूची 6 में 4 राज्यों के बारे में बताया गया, इसमें इनके प्रशासन के संबंध में स्पेशल उपबंध किए गए हैं। क्लियर, चलिए ठीक है। अब उसके बाद में बेटा है अनुसूची 7। अनुसूची 7 में क्या है, यहाँ पर संघ और राज्य क्षेत्रों के विषय जो होंगे कि कौन सा विषय संघ का होगा, कौन सा विषय राज्य का होगा, कौन सा विषय समवर्ती सूची का होगा, इसमें उल्लेख किया गया है। अनुसूची 7 में विषयों का उल्लेख किया गया है, ठीक है, संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय, समवर्ती सूची के विषय।
संघ सूची के विषय में केंद्र सरकार सारे नियम कानून बनाती है, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे। राज्य सूची के विषय में स्टेट गवर्नमेंट सारे कानून बनाती है, और समवर्ती सूची में दोनों लोग कानून बनाते हैं, और टकराव की स्थिति में संघ सूची जो संघ सरकार के द्वारा बनाए गए, केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए नियम होते हैं वो माने जाते हैं, न कि राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इसमें पहले क्या था, अनुसूचियों में जो संख्या जो इनकी थी संघ सूची में जो संख्या थी वो पहले विषय जो थे सॉरी संख्या मतलब विषयों की जो संख्या थी वो 97 थी पहले, और अभी वर्तमान समय में संघ सूची में के विषय में जो विषय हैं वो 100 विषय हो गए हैं। पहले कितना था, 97 था, और अभी वर्तमान समय में 100 विषय संघ सूची के अंतर्गत 100 विषय हो गए हैं। उसी तरह से राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, वर्तमान समय में 61 विषय हो गए हैं। पहले 66 विषय थे, वर्तमान समय में 61 विषय हो गए हैं। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें समवर्ती सूची के लिए, तो पहले हमारे पास 47 विषय थे, आज हमारे 52 विषय हो गए हैं। ठीक है, तो ये बात थोड़ा ध्यान में रखिएगा, पहले 47 विषय थे, अभी 52 विषय हो गए हैं। तो देख लीजिए किसमें विस्तार हुआ है, यानी संघ सूची के विषय में विस्तार हुआ है, समवर्ती सूची के विषय में विस्तार हुआ है, राज्य सूची के जो 6 विषय थे मतलब 66 विषय थे वो 61 हो गए, यानी 5 विषयों को हटा दिया गया है, उनके कम किया गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है। तो किस इस तरह से एग्जैक्टली अगर पूछा जाए तो किसमें कौन से विषय हैं, तो वर्तमान समय में 100 विषय आप एग्जाम में से क्वेश्चन पूछता है बेटा इसमें कि मतलब जो है पहले कितने थे वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान करके पूछेगा तो संघ सूची में 100 विषय हो जाएंगे, वर्तमान करके अगर पूछता है राज्य सूची में तो आपके 61 हो जाएंगे, और वर्तमान में समवर्ती सूची पूछता है तो 52 हो जाएंगे, और प्राचीन में अगर हम जाएंगे तो यही क्रम आपका बदल जाएगा, 97 आपके संघ सूची के विषय हो जाएंगे, 66 आपके राज्य सूची के विषय हो जाएंगे, और 47 आपके संघ सूची के समवर्ती सूची के विषय हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये सूची 7 में इसके बारे में उल्लेख किया गया। अब अगला है सूची 8 के बारे में बात करते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही रोचक है, ये भारतीय विविधता में एकता को समाहित किए हुए हैं। इस टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए, और उम्मीद करता हूँ कि इसमें जो आप वर्तमान समय में 22 भाषाओं के बारे में आप देखते हैं, तो 22 भाषाएँ आपको जबान पर याद होनी चाहिए, और कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट होगा जो वीर होगा जो उसको लगता होगा हमको UPSC क्रैक करना है, तो निश्चित तौर से कमेंट बॉक्स में लिख करके याद करके लिख के भेजेगा कि कौन कौन से विषय जो है मतलब जो भाषाएं हमारे 22 भाषाओं में हैं। लेकिन एक चीज़ इसके साथ साथ अब आइए इसकी डिटेल करते हैं। इसका उल्लेख आप जान लीजिए कि हमारा जो मूल संविधान था बच्चों, उस मूल संविधान में क्या 22 भाषाएं थी, नहीं, मूल संविधान में हमारे 14 विषय थे, 14 भाषाएं थी। फिर समय के साथ संविधान संशोधन होते रहे, परिवर्तन होता रहा, और फिर इसमें भाषाएं जुड़ती गईं। इस तरह से 14 से आज वर्तमान समय में 22 भाषाएं हैं। कुछ संविधान संशोधन है, कुछ ये जवानी आपको याद हो जाने चाहिए। 71वां संविधान संशोधन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इसके संदर्भ में आपको याद करना होगा यहाँ पे 21वां, 71वां और 92वां संविधान संशोधन। तो तीन संविधान संशोधन बेटा याद रख लीजिएगा, भाषा से रिलेटेड है, 21वां, 21वां अब कब की तिथि में है वो भी मैं अभी आपको याद करा दूंगा आपको, लेकिन अभी सीरियसली इसको ध्यान दीजिए। कौन सा संविधान संशोधन है आपका, 21वां, 21वां, 71वां और 92वां, ये तीन संविधान संशोधन हैं जो कि भाषा को लेकर के हैं, भाषाएं जोड़ी गई हैं। ठीक है, तो ये तो आपको कभी भूलना नहीं चाहिए बेटा, ये ध्यान में रखिएगा आपको। तो 21वां जो संविधान संशोधन, यह 1967 में कब 1967 में 21वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत सिंधी भाषा को, तो आप लोग याद कर लीजिए कि ये जो शेष हमारी भाषाएं हैं मीन्स ये आपके 14 के बाद जो 22 भाषाएं हमारी बची हुई हैं, यानी कि 6, 2, 8 भाषाओं के बारे में आपको जवानी याद होना चाहिए, क्योंकि 8 भाषाओं से क्वेश्चन पूछता है कि कब जोड़ी गई, कौन सी भाषा कब जोड़ी गई, तो आपको मालूम होना चाहिए, और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, कब जोड़ी गई। ठीक, तो आपको कब में याद होना चाहिए, तो पहली भाषा आपकी हो गई 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी, याद हो गया होगा 21वां संविधान संशोधन कब 1967 सिंधी भाषा जोड़ा गया। ठीक है, इसके बाद बेटा आपका दूसरा है 71वां संविधान संशोधन 1992 में 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा आपको तीन भाषाएं आपकी जोड़ी गई। तीन भाषाओं में आप ध्यान रखिएगा, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। कौन कौन सी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी,
कब जोड़ी गई, 92 में जोड़ी गई, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो कोंकणी और नेपाली और मणिपुरी, ठीक, कोंकणी नेपाली मणिपुरी। तो आपको देखना, अगर मैप, अगर आपको इंडिया का मैप पता है तो कोंकणी नीचे की तरफ आप ध्यान देंगे, फिर ऊपर की तरफ जाएंगे आप नेपाली, और फिर उसके बाद में आप पूर्वोत्तर भारत की तरफ चले आएंगे मणिपुरी, ठीक है। तो ये तीन आपको ये याद हो गया, यानी कि चार आपको याद हो गए, बाकी शेष चार आपके जो हैं 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है 2004 में, 92वां संविधान संशोधन 2004 में जोड़ा गया, जिसके तहत आपको संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो, ये चार भाषाएं जो हैं आपकी भारतीय संविधान में लागू की गई। कब की गई थी, 2004 में की गई थी। कब, किस संविधान संशोधन के द्वारा, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। चार भाषाएं बेटा, संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो, ये चार जो है जोड़ी गई, ठीक। फिर से एक बार देख लीजिएगा, संथाली है, डोगरी है, मैथिली है, बोडो है। संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो, ये चार हैं। इसके ऊपर वाला आपने देखा था, तो जैसे कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और उसके पहले सिंधी, इजी, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। ये चार आपको याद हो गए होंगे, संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो, ये 92वें संविधान संशोधन 2004 के द्वारा। इसके पहले बेटा और 14 जो भाषाएं थी, वो 14 भाषाएं कौन कौन सी थी, ये भी आपको याद हो जाना चाहिए। 8 तो मेरे लगता है कि आप लोगों को याद हो चुका होगा, बाकी आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिए इसमें कौन कौन से थी। असमिया थी, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, मलयालम है, मराठी है, ओडिया है, पंजाबी है, संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु है और उर्दू, ठीक है। ये लैंग्वेज जो हमारे 14 भाषाएं पहले से विद्यमान थी, यानी मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, समय के साथ साथ 8 भाषाएं और भी जोड़ी गई, तो कुल मिला के हमारे पास कितनी भाषाएं हो गई बच्चों, 22 भाषाएं हो गई। एक चीज़ और भी जान लीजिए, इसके लिए दिलचस्प बात है कि अंग्रेजी भाषा का उल्लेख 22 भाषाओं में से कहीं नहीं है, और भारत का मिजोरम एक ऐसा राज्य है जिसने अपने यहाँ राजकीय भाषा का दर्जा अंग्रेजी को दिया हुआ है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मिजोरम, हिंट दे दूं, अभी कुछ हवा जो असम के साथ कुछ विवाद हुआ है, इधर से देख लीजिएगा कहीं से कुछ होगा, ठीक है, हिंट हो गई है, थोड़ा प्रयास करिएगा बेटा। मिजोरम जो आपका है, तो मिजोरम आपका देखिए रहा नहीं जाता है बिना बताए, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग प्रयास करिए कि और अच्छा जाने आप लोग, ठीक है। जैसे लास्ट डे का क्वेश्चन था, तो फिर मैंने आपको सरप्राइज किया था, फिर क्वेश्चन वो आगे हम लोगों को मिल ही गया था, हैं, आप लोगों को मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। यूपीएससी में अगर सीट रिजर्व करनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी सुविधाएं, इतनी फैसिलिटीज़, इतनी सारी चीज़ें आयोग आपको देगा और सरकार आपको देगी, तो बदले में आपसे कुछ लेगी भी, वो कम से कम आपका स्मार्ट ब्रेन जो है उसका पूरा यूज करेगी, और उस स्मार्ट ब्रेन के आधार पर ही आप एक राष्ट्र के निर्माता के रूप में उभर करके आ पाएंगे। सरकार के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव तक आप लोग जाएंगे। आप लोग जानते हैं एक चीज़, दिलचस्प बात है, जान लीजिए थोड़ा सा, जो बच्चे नई उम्र में आयोग के पदों पर आसीन हो जाते हैं वो लास्ट तक जाते हैं, राष्ट्र निर्माण में उनकी वो एक्चुअल भूमिका होती है, वो आगे चल करके मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव तक के पदों पर आसीन होते हैं, और ये जो सचिव लोग होते हैं ना, एक्चुअल में किंग मेकर होते हैं, पॉलिसी मेकर होते हैं, यही पूरी नीतियां बनाते हैं, नीति निर्माता यही होते हैं, और इनकी इतनी शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि ये पूरे समाज को एक दिशा दे रहे होते हैं। सरकार इनको, सरकार की अगर इच्छा महत्वाकांक्षा है तो उसको वास्तविक रूप देने का जो कार्य करते हैं यही लोग करते हैं। तो इस नाते नई उम्र में, कम उम्र में, जो आप 21, 22 साल, 23 साल की उम्र में अगर आप कोई IAS हो जाते हैं, तो ज़िंदगी क्या होती है इसका पूरा आनंद आप ले पाएंगे। तो कृपया खूब मेहनत करिए और सारी चीज़ें भूल करके खूब मेहनत करिए, फिर मज़ा आएगा ज़िंदगी का, फिर आप समझ पाएंगे कि आपके पास क्या पावर है। आप लोगों को लगता होगा DM को बहुत पावर है, SP को बहुत पावर है, ये एक्चुअल में इनके पास कुछ बहुत पावर नहीं है, मतलब मीन्स मैं ये नहीं कह रहा पावर ये नहीं है इनके पास, लेकिन वास्तव में जो पॉलिसी बनाता है, जो पॉलिसी मेकर होता है, वो ये लोग नहीं होते हैं, ये तो बस पॉलिसी को क्रियान्वित करने वाले लोग होते हैं।
तो अगर पॉलिसी बनानी है, राष्ट्र के निर्माण में आपको पूरी तरह सहयोग करना है, तो बहुत नई उम्र में, कम उम्र में आपको एक पद लेना होगा। आइए देखते हैं। तो 14 भाषाएं आप लोगों ने समझ ली इसके बारे में हो गया, और 8 भाषाएं फिर बाद में ले गई हैं। ये तो हो गई हम लोगों की 8वीं अनुसूची। आइए आगे देखते हैं 9वीं अनुसूची के बारे में। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार संबंधी अनुसूची के रूप में इसमें मूल रूप से जाना जाता है। ज़्यादा फेमस तो ये इसी को लेकर के है, भूमि सुधार को लेकर के सरकार। और ये देखिए, पहला जो संविधान संशोधन किया गया था वो इसी को लेकर के किया गया था, ठीक है। पहला जो संविधान संशोधन किया गया था 1951 में, प्रथम संविधान संशोधन। अब सोच लीजिए आप, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जो किया गया था वो भूमि सुधार को लेकर के किया गया था। कारण ये था कि जब हमारा राष्ट्र आज़ाद हुआ था तो उसमें हमारे पास दो तरह की मतलब जनसंख्या मूल रूप से थी। एक तो बहुत गरीब जनसंख्या थी, दूसरे एक जमींदार वर्ग की जनसंख्या थी। तो इसमें डिस्प्यूट ये प्रॉब्लम ये थी कि राष्ट्र नया नया आज़ाद हुआ था तो गरीबी भुखमरी की समस्या बड़े पैमाने पर थी, क्योंकि एक व्यक्ति के एक वर्ग के पास बहुत बड़े हिस्से की जो जनसंख्या थी उसके पास ज़मीन का बहुत कम अभाव हुआ, मतलब बहुत कम जमीन हुआ करती थी, यानी ज़मीन का अभाव था। और एक बड़ा वर्ग था जो जमींदार वर्ग था या राजा रजवाड़े वर्ग के लोग थे, इनके पास ज़मीन का बहुत बड़ा स्वामित्व हुआ करता था। तो उस स्थिति में क्या होता है कि गरीबी को बैलेंस करना मुश्किल होता था, और सरकार को तमाम सारी नई नई योजनाएँ भी लागू करनी थी, क्रियान्वित करना था, भूमि का अधिग्रहण करना था, तो लोग उस पर हमेशा कोर्ट केस कर दिया करते थे। तो इससे प्रेरित होकर के सरकार बिल्कुल ने ये इस चीज़ को लागू किया, और सरकार ने ये बताया, मतलब ये बनाने का प्रयास किया कि सरकारी योजनाएं, कोई सरकार की जो पॉलिसी है वो प्रभावित ना हो, तो इस अनुसूची को भारतीय संविधान में मेंशन किया। पहली अनुसूची ये जोड़ी जाती है 9वीं, अभी मैंने आपको बताया। इसमें जो जो विषय अनुसूची 9 में जिन जिन विषयों का उल्लेख किया गया है, वो विषयों उन विषयों पर कानूनी लड़ाई लड़ने का अधिकार नहीं है। यानी कि आप अगर सरकार जो जिन विषयों को रखा गया है, इसमें कुल टोटल आप लोग देखेंगे तो 284 विषय हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा। 284 विषयों पर आप एक तरह से कहिए कि आप बहुत ज़्यादा विरोध नहीं कर सकते, यानी कि एक तरह से कहीं विरोध ही नहीं कर सकते। इसके अंतर्गत जितने मतलब जितने विषय हैं इसमें सम्मिलित विषय न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी कि अगर सरकार चाहती है, जैसे आपका मकान, हमारा मकान या कुछ इस तरह की चीज़ें, अगर गवर्नमेंट चाहती है अपने अपने मतलब जो है अपने हित के लिए, व्यक्त देखिए जो राज्य है उसका हित क्या होता है, वो जनता के लिए ही कोई पॉलिसी बना रही होती है, जनता के हित में ही कोई कार्य कर रही होती है। तो वो अगर चाहे तो जिसको भी चाहे, जो भी, हमारी कोई चीज अपनी नहीं है, सरकार की संपूर्ण चीजें सरकार की हैं, सरकार जब चाहे जिस चीज को चाहे वो ले सकती है, बस वही प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को छोड़ करके। कोई भी चीज आपकी अस्थाई नहीं है, सरकार जिसको चाहे उसको जो चाहे वो कर सकती है, मतलब अपने उपयोग में लेने के लिए कर सकती है। तो जो 284 विषय जो हैं आपके अनुसूची 9 में जो वर्णित है, उनमें उनका अगर अधिग्रहण कर लेती है सरकार, या उन उसका उसका मतलब अपनी तरह से अपने यूज में ले लेती है, तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। तो समझ गए होंगे आप लोग, भूमि सुधार के लेकर के था, क्योंकि सरकार को सारी चीज़ें व्यवस्थित करनी थी, नए नए इंडस्ट्री लगानी थी, नए नए उद्योगों का निर्माण करना था, ज़मीनों को लेकर के और जगहों पर उसका वितरित करना था, जिससे कि मतलब एक तरह से गरीबी की व्यवस्था को ख़त्म किया जा सके। उसके अलावा बहुत सारी सरकार ने ऐसी प्लानिंग भी की थी कि सामूहिक खेती वगैरह के लिए प्लानिंग की गई थी। तो ये सब चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे, देखें, डिटेल करेंगे। तो उस नाते ये अनुच्छेद बनाया गया था, ठीक है, मतलब ये अनुसूची बनाई गई थी। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग बेटा, विषय आप लोगों को पता हो गया, 284 विषय थे, इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, और भूमि सुधार से संबंधित ये रिलेटेड है, ठीक है, मूल रूप से इसमें है। और 10वीं अनुसूची में क्या है, ये देखिए बेटा बहुत अच्छा है, ये दल बदल को लेकर के, अक्सर लोग चुनाव जीतते हैं किसी और राजनीतिक पार्टी से, भाग के किसी और में चले जाते हैं, तो ये दल बदल करने की जो व्यवस्था है उसको लेकर के 52 में दल बदल संविधान संशोधन जो सॉरी 52वां संविधान संशोधन 1985 में जो है लाया गया 85 में 52वां संविधान संशोधन। तो वो क्या किया गया कि इसमें दल बदल को लेकर के लोग अक्सर जीतते थे किसी और पार्टी से, भाग के किसी और पार्टी में चले जाते थे, तो ये इसको लेकर के सरकार ने मतलब एक कानून लेके आया, इसको अनुसूची में स्थान दिया, 10वीं अनुसूची में दल बदल जिसे नाम दिया गया 52वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, और 1985 में इसको लाया गया। और इसमें क्या होता है, जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के या राज्यसभा के जो स्पीकर होते हैं या किसी और सदन के, यानी विधानसभा या विधान परिषद के जो स्पीकर होते हैं, उनको पावर होती है, अध्यक्ष जो होते हैं उनको पावर होती है
कि किसी मेंबर की सदस्यता से संबंधित जो निर्णय लेना होता है वो लेता कौन है, तो वो स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी सदस्यता निरस्त की जाए या ना की जाए। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या है कि दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा इसे जोड़ा गया है, और दल बदल के आधार पर निर्हरता संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय यथास्थिति के आधार पर सदन के अध्यक्ष और सभापति द्वारा दिया जाता है। यानी बस वही बात मैंने बताई, यानी कि अगर राज्यसभा की बात है तो सभापति महोदय लेंगे वहाँ पे, और लोकसभा की बात है तो अध्यक्ष जी महोदय लेंगे। और यही चीज़ें आपको राज्यों में भी लागू होती हैं, विधानमंडलों में, वहाँ पर अध्यक्ष महोदय लेंगे और वहाँ पर जो सभापति महोदय होंगे वो लेंगे आपका निर्णय। ठीक है, दल बदल को लेकर के 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग 11वीं और 12वीं। ये तो आप लोगों को रटा होगा बेटा, लेकिन फिर भी एक बार दोहरा देते हैं। इसमें क्या होता है, ये आपको जो आपकी अनुसूची है 11वीं अनुसूची है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा लाई गई थी। ठीक है, और 74वां संविधान संशोधन और 73वां संविधान संशोधन दोनों बेटा एक साथ लाया गया था। आप जानते हैं राजीव गांधी पहले ऐसे शख्स हैं 1985 में जिन्होंने इसको सदन में लाए और लोकसभा से पारित करा लिया, लेकिन राज्यसभा में संयोग से पारित नहीं करा पाते हैं। उसके बाद में कांग्रेस की ही गठबंधन की सरकार बनती है, कांग्रेस के ही मंत्री बनते हैं, पीवी नरसिंहा राव प्रधानमंत्री बनते हैं, और उनके समय में थोड़े से सुधारों के साथ इसको लागू कर दिया जाता है। तो 73वां संविधान संशोधन जो किया गया वो पंचायतों से रिलेटेड था बेटा, और जो उसी के साथ देखिए 73वां जो संविधान संशोधन 74वां दोनों एक साथ लाए जाते हैं पटल पे। ठीक है, तो एक दूसरे के आगे पीछे क्रम में दोनों को पास किया जाता है, और इन दोनों के पास होने की जो डेट रहती है वो 23 दिसंबर 1992 रहती है, सॉरी 22 दिसंबर को लोकसभा में पारित होता है 1992 में, और 23 दिसंबर को राज्यसभा से पारित होता है, फिर 93 में पहुँचता है, तो 20 अप्रैल 93 में राष्ट्रपति को महोदय की इसमें स्वीकृति मिल जाती है, राष्ट्रपति से अप्रूवल हो जाता है, और फिर ये अपने अपने स्तर पर कार्य करने लगता है। अपने अपने स्तर का कार्य करने का मतलब क्या है, 24 अप्रैल 1993 में जो है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाता है, और 1 जून 1993 के द्वारा जो है नगर पालिकाओं में लागू कर दिया जाता है। ठीक है, ये 73वें 74वें संविधान संशोधन के बारे में, तो यही बात बताई गई 73वें संविधान संशोधन 92 के द्वारा क्या किया गया है, 24 अप्रैल को पूर्ण रूप से त्रिस्तरीय पंचायतों को भारत में लागू किया गया। इसमें कुल टोटल, हाँ देखिए एक चीज़ है, मैं लास्ट वीडियो में बेटा चर्चा कर रहा था तो वहाँ पर मैंने एक बात कही थी कि एक बार बाय मिस्टेक मैंने ये कह दिया कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या विषयों की जो संख्या है पंचायतों में वो मैंने 16 वहाँ जिक्र कर दिया था, जबकि 29 होंगे, सॉरी इसके लिए माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, कि उसमें 29 विषय हैं और जो नगर पालिका नगर पंचायतों के बारे में है उसमें 18 विषय हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात करें, 29 विषयों का उल्लेख किया गया है और पंचायतों की शक्तियों के बारे में एक तरह से कहिए बताया गया है। ठीक है, और आगे बेटा 12वीं में वही चीज़ें हैं, नगर पालिकाओं के शक्तियों के बारे में है। ठीक है, तो कभी कभी एक लाइन में अगर बात की जाए तो कहा 11वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, तो पंचायतों की शक्तियों के बारे में आप कह सकते हैं, और कह सकते हैं कि 12वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, तो नगर पालिकाओं की शक्तियों के बारे में, और वही चीज़ें सारी चीज़ें हैं। तो ये तो हम लोगों का था आज बेटा अनुसूचियों के बारे में, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इसको इन्जॉय किए होंगे, समझे होंगे, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। अब हम लोग आगे इसके प्रश्नों की श्रृंखला देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, और आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए, उसको पूरा याद करिए, और आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।